हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक्रेट शेफ किचन। तो जो हमारी आज की रेसिपी है वो हमारा मिस्सी रोटी है, और ये इतना आसान होता है बनाना। और ये मैंने यहाँ पे मसाला तोरी के साथ सर्व करा है। आप मेरी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप देख सकते हैं, मसाला तोरी की लिंक आपको गिवन है उसमें। ये मिस्सी रोटी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मसाला तोरी। अब पनीर की सब्जी के साथ, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, मटर पनीर, जो भी ग्रेवी वाली मसालेदार सब्जी होती है, इनके साथ तो मिस्सी रोटी एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। तो मेरे पास यहाँ पे 1 कप + 3 टेबलस्पून बेसन है। ये बेसन है मेरा 1 कप 3 टेबलस्पून बेसन। और अब इसमें हम डालेंगे 1 अनियन फाइनली चॉप्ड करके, मतलब 1 प्याज एकदम फाइनली चॉप्ड, मतलब बारीक कटा हुआ। अब डालेंगे 2 बड़े चम्मच यानी 2 टेबलस्पून इसमें कोरिएंडर का फाइनली चॉप्ड करके, 1 स्पाइसी ग्रीन चिली का डाल देंगे, 1 टेबलस्पून हम लोग इसमें गरम मसाला का डाल देंगे, आप 1/2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, 1/4 कप कर्ड का डाल देंगे। और अब इसमें हम लोग डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका एक डो बना लेंगे। ये देखिए इसका ऐसे स्टिकी डो है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून ऑयल, और ये देखिए एकदम नॉन स्टिकी हो गया। उसके बाद ये देखिए एकदम अच्छा बन गया है। ये देखिए आपको भी एकदम ऐसे ही रखना होगा। और अब इसको हम लोग कम से कम 10 मिनट के रेस्ट करके ढक देंगे कोई क्लॉथ या कोई भी से, प्लेट से। और अब इसकी लोइयां बना रही हूँ मैं यहाँ पे। देखिए इतनी साइज़ की, आपको जैसे पराठा बनते, जैसे नॉर्मल पराठे साइज़ वाली होती है, उतनी साइज़ की हम लोगों को रोटी बनानी है। इसके मतलब बेलना होगा। तो मैं यहाँ पे बेसन है मेरे पास, मैं बेसन में से पूरा कोट कर लूँगी अच्छे से और बेल लूँगी। आप चाहे तो इसको ऑयल लगा के भी बेल सकते हैं। और ये देखिए आपको देख लीजिए कितनी थिकनेस होनी चाहिए, एकदम ऐसी ही थिकनेस हमें रखनी है। और ये मैंने यहाँ पे हम बाकी के सारे भी पराठे ऐसे ही बना लेंगे, और ये मैंने 2 पराठे बना लिए। तो चलिए सेकने चलते। तो मेरे पास यहाँ पे तवा है, तवे को हम लोग एकदम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, तवे को एकदम गर्म कर लेंगे और उल्टा पलटी करके और ऑयल लगा के इसको हम लोगों को सेकना, मतलब एक तरफ ऑयल लगाएंगे फिर दूसरी तरफ। तो मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ इसको सेकने के लिए, आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम होनी चाहिए मीडियम टू लो में सेकेंगे, 1-2 बार हाई भी आप कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। ये फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, ये देखिए ऐसा होना चाहिए। और उल्टा पलटी करके इसको एकदम लाल होने तक, बढ़िया वाला लाल होने तक सेकना होगा। बटर भी आप यूज़ कर सकते हैं ऑयल की जगह पे। और ये हमारे मिस्सी रोटी बनके तैयार हो गई है। बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको अभी कैसा बना। एंजॉय।